सारा क्या हुआ? काट वाट लिया उसने? ये बस काटने की कसर रह गई थी। ये बंदा पसंद करता है मुझे? हाँ यही पसंद करता है। तुम्हें पसंद नहीं आया? उसकी शक्ल है पसंद करने वाली। और देखो ये तुमने ना मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैंने कोई मजाक नहीं किया, वाकई पसंद करता है तुम्हें। बकवास मत करो, मुझे तक सफेद है उसकी। मुझे सफेद है? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पेंट शेंट गिर गया होगा। पेंट? ये क्या पता, लस्सी पी करो, मुंह साफ करना भूल गया। ओ हाँ, मेकअप ज्यादा कर लिया होगा। बकवास मत करो, 65 साल की उम्र होगी उसकी। 65 साल? कहीं निम्रा ने अपने अब्बा को तो नहीं भेज दिया? हाँ। या फिर उसके अब्बा ये सोच रहे होंगे कि क्यों ना मैं भी लाइन मार लूं बीच में आके। हाँ शहर के सारे बुड्ढे ना मुझ पे ट्राई करा लो तुम। सॉरी यार, मुझे क्या पता था कि निम्रा का भाई बुड्ढा होगा। सिर्फ बुड्ढा ही नहीं, इंतहाई बगलोल और बदसूरत आदमी है वो। उफ। मुझे क्या पता था, निम्रा ने तो कहा था कि उसका भाई तुम्हें सरप्राइज देना चाहता है। सरप्राइज? जरा बाहर दरवाजे पे ही देखो जाके सरप्राइज। दरवाजे पे तो मैं बाद में जाके देखूंगी, पहले इस निम्रा के बच्चे से मुझे खबर तो लेने दो। पता नहीं क्यों ये मजाक किया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या भोंडा मजाक किया तुमने मेरे साथ? कौन सा भोंडा मजाक, क्या कह रही हो? हाँ तो अपने भाई का बोल के 65 साल के बुड्ढे को भेज दिया तुमने रबीका से मिलने, ये मजाक नहीं तो और क्या है? 65 साल का बुड्ढा? कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें मेरा भाई 65 साल का बुड्ढा लगता है? लग नहीं रहा, वो है 65 साल का, मूंछें तक सफेद है उसकी। क्या बोले जा रही हो तुम, मेरे 25 साल के भाई की मूंछें कैसे सफेद हो सकती है? हाँ हाँ पेंट गिर गया होगा ना उसपे। हाँ तो लग गया होगा ना। जी नहीं, सिर्फ मूछे सफेद नहीं है, रबीका कह रही है पूरे का पूरा बुड्ढे का बुड्ढा है वो। अच्छा तो तुमने खुद देखा है उसे? रबीका तो बेहोश होते होते बची है, अगर मैं देख लेती ना तो 10 दिन तक ख्वाबों में डरती रहती। हद होती है वैसे, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे मैंने तुम्हारे घर पे ड्रैकोला भेज दिया। हाँ तो मुझे क्या पता, रबीका के चीखने से तो ऐसे ही लगा। अब हाँ शायद तुमने तस्वीर इसीलिए ना भेजी हो कि तुम्हारे भाई की शक्ल देखने के काबिल नहीं होगी। एक मिनट तुम अभी रुको, मैं तुम्हें अपने भाई की तस्वीर सेंड कर दूँ, फिर तुम खुद ही देखकर बताना ऐसा क्या देख लिया रबीका ने जो देखकर बेहोश हो गई मेरे भाई को। सबर करो तुम। हाँ करो सेंड, कर रही हूँ मैं वेट। क्यों नहीं रहा? आजा यार। क्या मुसीबत है, कभी से बैल बार तो बड़ा है। अरे तो तुम बैल सुनकर आता क्यों नहीं है? हम बैल की आवाज पे सेट नहीं है, हमको तुम सीटी मारेगा हम उस पे आ जाएगा, हम सीटी पे सेट है। अरे भाई मुझे तुम्हें सेट नहीं करना, तुम सारा को बुलाओ। हम सारा लोगों को एक साथ नहीं बुला सकते, तुम काम बताओ। अरे मुझे ये किताबें देनी है। किसको? सारा को। फिर सारा को? कितने किताबें देना ये बताओ। 3। वो हम सारा लोग 5 है, ये 3 किताबें कैसे देगा ये? कौन 5 लोग, क्या मतलब? एक हम है, एक हंसामा है, एक सफाई वाला है, एक माली है, एक ड्राइवर है, 5 पूरा हो गया। अरे भाई मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे तुम्हें किताबें देनी है, मैंने कहा मुझे सारा को किताबें देनी है। तुम सारा को देनी है ये? हम सारा 3 नहीं है, 5 है।
अरे खान भाई, मुझे सारा से मिलना है। सारा लड़की का नाम है जो अंदर रहती है। ओ, इधर कोई सारा वारा नहीं है, इधर हम सारा रहता है। अरे यार, तुम अपने मालिक को बुलाओ। हमारा मालिक अंदर अंदर नहीं है, हमारा मालिक बाहर है। इधर तो तुम जैसा चोर रहता है, अरे के घर पे जाके जागता है। खाना खराब, निकले इधर से, चलो। खाना खराब। यार मैं कहीं गलत घर के आगे तो नहीं खड़ा हुआ? मैंने निमरा को बोला भी था कि मैं सारा के घर के बाहर हूँ। कहीं रबीका आके ना चली गई हो।